स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी आज आपके सामने हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि 28 जनवरी 2021 यानी कि पीसीएस के इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस समय 2019 के पीसीएस के इस समय इंटरव्यू चल रहे हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आपके सामने हम। देखिए, आपके सामने साफ साफ लिखा है कि यूपी पीसीएस 2019 के इंटरव्यू गुरुवार से प्रारंभ हो चुके हैं, यानी कि 28 जनवरी 2021 से पीसीएस 2019 के इंटरव्यू प्रारंभ हो चुके हैं। और इसमें लिखा है कि पहले दिन साक्षात्कार में किसान आंदोलन छाया रहा। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसमें यानी कि पहले ही दिन किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें लिखा है कि इंटरव्यू के लिए 5 बोर्ड बने हैं और लगभग सभी बोर्ड में इस आंदोलन से जुड़े सवाल पूछे गए। एक सवाल ने अभ्यर्थियों को खासा परेशान किया और वो प्रश्न था कि आप अगर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होते तो गणतंत्र दिवस पर किसानों को ट्रैक्टर परेड की अनुमति देते या नहीं, और इस दिन दिल्ली में हुई स्थिति को कैसे नियंत्रित करते। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 2019 के जो इस समय इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें पहले ही दिन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आप में से अगर किसी का इंटरव्यू है तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करके जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो ये ध्यान रखिए, आप काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए ये, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। और इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए, इसमें लिखा है कि 13वीं सिर्फ भारत में क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में। तो इसमें लिखा कि एक अभ्यर्थी से बोर्ड ने पूछा कि 13वीं सिर्फ भारत में क्यों होती है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद लिखा है इसमें कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। और इसके बाद क्वेश्चन है कि भूगोल का प्रयोग प्रशासन में आप कैसे करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है सागर और महासागर में क्या अंतर है। और इसके बाद है क्वेश्चन आपका नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता है। और इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन कि भूगोल की परिभाषा आम आदमी को कैसे समझाएंगे आप। और इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन कि यूपी की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इंटरव्यू चल रहा है इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसमें लिखा है कि कौन सी नदी दो जिलों को जोड़ती है, यानी कि उत्तर प्रदेश की नदी पूछी गई है इंटरव्यू में। यानी कि ये जो सवाल पूछे गए हैं ये सब पैनल ने पूछे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि 5 बोर्ड बनाए गए हैं, उन 5 बोर्डों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो ये ध्यान रखिए, आप काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है इंटरव्यू में। और इसमें सबसे ज़्यादा इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा है कि इसमें भूगोल का प्रयोग प्रशासन में आप कैसे करेंगे, और सागर और महासागर में क्या अंतर है, नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता है, और भूगोल की परिभाषा आम आदमी को कैसे समझाएंगे इसका मतलब, और नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से टच होती है। इसका मतलब सीधा जो फोकस है यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में, यानी कि जो पैनल पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वह ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं।
तो इसके बाद हम देखते हैं आगे कौन कौन से और क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए आपके सामने साफ साफ लिखा है, और हम आपको एक चीज और बता दें आपको कि ये जो हम आपको जानकारी बता रहे हैं यह है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, उसके माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए आपके सामने लिखा है कि अयोध्या के एक अभ्यर्थी से बोर्ड ने पूछा, यानी कि एक कैंडिडेट अयोध्या का था, उससे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिल्ली में किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली में किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। और इसमें आगे है नई कृषि कानून में किसानों के लिए क्या सुधार किया गया है, और इसके बाद है कि नए कानून को किसान क्यों नहीं मान रहे हैं, यानी कि किसान आंदोलन जो हो रहा है उस वो जो आपका आंदोलन है वह किसान बिल को लेकर है, और वह उसको एक तरीके से उसको मान क्यों नहीं रहे हैं। और इसमें लिखा है कि इन प्रश्नों का जवाब मिलने के बाद बोर्ड ने पूछा कि इस बार 26 जनवरी को नया क्या हुआ, ये पॉइंट पूछा गया है कि 26 जनवरी को नया क्या हुआ है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बदायूं के एक अभ्यर्थी से बोर्ड ने पूछा, यानी कि एक कैंडिडेट कहाँ के थे बदायूं से, उनसे क्या पूछा है क्वेश्चन कि कृषि कानून को कौन बनाता है और इसे कौन लागू करता है। तो इसका मतलब क्या है, सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें टॉपिक की तो वह यानी कि किसान आंदोलन और संविधान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं, क्योंकि ये जो आपके सामने क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं ये है क्वेश्चन 28 जनवरी 2021 को जो इंटरव्यू हुआ है उसमें पूछे गए हैं, और इनमें से क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं। और भविष्य के लिए अपने क्वेश्चन आप तैयार करिए, क्योंकि जो भी कोई करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बनते हैं या कोई आंदोलन या फिर कोई चुनाव नतीजे हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं, तो ये ध्यान रखिए आप, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। इसलिए आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए आप लोग इसी प्रकार की नई नई अपडेट के लिए हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।